मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, जो अपने को पिछड़े वर्ग से कहते बोलते हैं, अगर पिछड़े वर्ग के आप इतने हितैषी हो, 27 मंत्री आपने बना दिए, लेकिन 27 मंत्री से पिछड़े वर्ग का हक नहीं मिला, वो 27 लोगों को हक मिला। पिछड़े वर्ग का 60% से भी ज्यादा संख्या हमारी देश में, हर दूसरा व्यक्ति देश का ओबीसी है। क्या वो देश का मूल निवासी नहीं है? क्या वो वोट देकर सरकार नहीं बनाता? क्या उसकी गिनती नहीं हो सकती? अगर 24 के चुनाव में अगर यही हिटलर शाही सरकार दोबारा से आ जाती है, तो ना तो भविष्य में चुनाव होगा और ना ही भविष्य में कभी बहुसंघ समाज के अधिकार और कभी संविधान बचेगा। WTP की ओर से प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच में बड़े भाई ने जो 23 मार्च को राष्ट्रीय उपवास और कैंडल मार्च, जो जातिगत जनगणना, किसानों की MSP, किसानों पर हो रहे अत्याचार को न्याय दिलाने के लिए और देश में EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए जो 23 तारीख को राष्ट्रीय उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा, तो मैं देश के सभी 90% बहुसंघ समाज के लोगों से, सभी संगठनों से और सभी बहुसंघ समाज की पार्टियों के नेताओं से, सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से, MLA से, सभी से आह्वान करता हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव का जो बिगल बच चुका है, अगर इससे पहले आप लोगों ने एकजुट होकर अगर किसानों की, मजदूरों की, अरीबियम की और जातिगत जनगणना की बात नहीं की, तो अगर 24 के चुनाव में अगर यही हिटलर शाही सरकार दोबारा से आ जाती है, तो ना तो भविष्य में चुनाव होगा और ना ही भविष्य में कभी बहुसंघ समाज के अधिकार और कभी संविधान बचेगा। इसलिए 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर भारी से भारी संख्या पहुंचकर अपनी ताकत दिखाए, ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। साथियों, आज प्रेस वार्ता में मैं एक जो प्रमुख मुद्दा है, 31 सालों से 1993 से लेकर आज तक जो दिल्ली के अंदर जो भारत देश से 90% प्रवासी लोग जो आए हुए हैं, और वो जो केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसकी वजह से हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है सरकारी नौकरियों में। देखिए, दिल्ली की 90% संख्या, उसके अंदर जब देश का पार्टीशन हुआ था, तो उसके अंदर दिल्ली, संयुक्त पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एक थे, और दिल्ली उस संयुक्त पंजाब के अंदर एक जिले बराबर थी। उस समय से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर 90% प्रवासी हमारे लोग आकर दिल्ली को मजबूत करने का काम कर रहे, लेकिन केंद्र द्वारा जो ये 1993 का डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इस प्रावधान की वजह से सरकारी की, दिल्ली की सरकारी नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आर्टिकल 19(1)(g) ये कहता है कि भारत देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी जाकर बिजनेस, छोटा उद्योग, कोई भी धंधा कर देश को और अपने को मजबूत कर सकता है। लेकिन इस 1993 के नोटिफिकेशन की वजह से दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हमारा हक अधिकार छीन रहा है। देखिए, सेंटर की लिस्ट के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लिए जो लिस्ट आती है, उसके अंदर जिनकी वजह से हक अधिकार छिन रहा, उनका भी उस लिस्ट में नाम आना चाहिए, लेकिन नहीं होता है सर।
और कहीं ना कहीं इस 1993 के डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हजारों ऐसे जनरल श्रम समाज के लोग हैं जो हमारी खाली वैकेंसी के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट का बहाना बनाकर उनको रेगुलर किया जाता है। अगर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी ये कहती है अगर ऐसा नहीं होता तो देश का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगाकर ये पूछ सकता है कि 1993 से लेकर और 2024 तक दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे एनडीएमसी में हो, चाहे एमसीडी के अंदर हो, कितने वहाँ पर श्रम समाज के लोग नौकरियों में लिए गए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो। आपको सच का पता चल जाएगा कि कैसे हमारी खाली वैकेंसियों में 31 साल से लगातार यही श्रम समाज के लोग हमारा हक छीन रहे हैं। आर्टिकल 14 संविधान में यह कहता है कि समता और समानता का देश के हर नागरिक का हक है, लेकिन ये समता और समानता के विरुद्ध है। क्या बिहार का भूमिहार, तमिलनाडु का ब्राह्मण और राजस्थान का बनिया कैसे दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी पा जाता है, और जो देश के अंदर 60% से भी ज्यादा संख्या वाला ओबीसी वर्ग उसको नौकरी नहीं मिलती? तब बिहार के भूमिहार को, तमिलनाडु के ब्राह्मण को और राजस्थान के वैश्य को दिल्ली में सरकारी नौकरी मिल सकती है तो पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए मेरा आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो अपने को ओबीसी प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग की और एससी एसटी की बड़ी पैरवी की बातें करती है, ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा मीडिया में बहस का मुद्दा है, लेकिन जमीन पर पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं हो रहा। देश के अंदर हमारी मांग है कि या तो 1993 के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को खत्म किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो 93 से पहले का एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है तो वो आज से करीब 5 साल पहले जो दिल्ली में आया है, जिसका पहचान पत्र है, जिसका आधार कार्ड है, जिसका मकान है, जो दिल्ली का निवासी है, जो वोट देकर सरकार बनाता है, जो देश के विकास में योगदान देता है, तो 5 साल का इसका संविधान में बदलाव कर 5 साल का प्रूफ हो, ताकि हमारे बच्चों को दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हक मिल सके। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अब पिछड़े वर्ग के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं कि कौन 14 से लेकर 24 तक राजनीति से ले, न्यायपालिका से लेकर, प्राइवेट सेक्टर से लेकर कैसे पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रहा है, कैसे एससी एसटी का हक छीनने का काम कर रहा है। अब हम लोग रोड पर निकल चुके हैं और जल्द ही इस लोकसभा चुनाव के अंदर घोषणा पत्र के अंदर डोमिसाइल जो 93 का एक्ट है इसको खत्म किया जाए। अगर खत्म नहीं किया जाता तो पिछले 5 साल पहले जो दिल्ली के अंदर आया है उसको मान्यता दी जाए, वरना पिछड़े वर्ग के लोग अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आरा आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, जो अपने को पिछड़े वर्ग से बोलते हैं, अगर पिछड़े वर्ग के आप इतने हितैषी हो, 27 मंत्री आपने बना दिए, लेकिन 27 मंत्री से पिछड़े वर्ग का हक नहीं मिला, वो 27 लोगों को हक मिला। पिछड़े वर्ग का
60% से भी ज्यादा संख्या हमारी देश में, हर दूसरा व्यक्ति देश का ओबीसी है, क्या वो देश का मूल निवासी नहीं है? क्या वो वोट देकर सरकार नहीं बनाता? क्या उसकी गिनती नहीं हो सकती? अभी प्रोफेसर रतनलाल जी ने बताया, जब SC ST के साथ पेट पक्षियों की गिनती हो सकती है, घरों की गिनती हो सकती है, तो जो देश का मूल निवासी है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उस पिछड़े वर्ग की भी गिनती की जाए और उसकी गिनती के हिसाब से देश की सभी सरकारी संस्थानों में, राजनीति में और प्राइवेट सेक्टर में, मीडिया में उसका हक अधिकार उस संख्या के हिसाब से दिया जाए, वरना आने वाले टाइम में पिछड़े वर्ग SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर इस सरकार के खिलाफ EBM हटाओ भाजपा भगाओ नारे के साथ किसान मजदूर को बचाने के लिए, पिछड़े वर्ग को बचाने के लिए हम 90% देश के मूल निवासी अब जल्द ही इस चुनाव के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर अपनी वोट की ताकत से आपको हराने का भी काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।